क्या तुम लोग वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? यार Xiaomi Redmi Note 10 में इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, क्या कोई मसला तो नहीं आएगा? लेकिन एक सेकंड, मैं बताता हूँ क्या मसले आपको आ सकते हैं। आई एम अ टेकी बॉय मिस्टर धमाकेदार, 4 घंटे की रिसर्च करके आपको जो है ना परफेक्ट वीडियो बना के बताऊँगा क्या क्या मसले आप फेस कर सकते हो Xiaomi Redmi Note 10 में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक क्या वो कहते हैं उसे, हाँ, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्विक राउंड अप, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग विद 5000 mAh बैटरी, 48 MP क्वाइट कैमरा सेटअप, 8 MP अल्ट्रा वाइड। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना। इस साल से पहले मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। 13 MP की सेल्फी है और बैक कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर है एंड बस यही कुछ चीज़ें थी। और अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है ना इसके अंदर फेस करने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वन एंड ओनली दुनिया का सबसे ज़्यादा लैगी UI MIUI 12। हाँ, तो MIUI 12 में आपको जो है ना बहुत ज़्यादा लैग्स, ब्लॉटवेयर, एड्स और क्या है फीचर्स, और मतलब जो कुछ भी है ना, आप अगर इसके जो मेन्यू होते हैं MIUI के, ये तो मेरे पास सैमसंग का S7 है, तो अगर आप मियाओ नहीं बिल्ली की आवाज़ क्यों निकाल रहा हूँ, तो ऐसे आप लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करोगे तो आपको जो है ना लेग्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं MIUI 12 में। तो Xiaomi को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि प्लीज़ फिक्स आउट, ट्विटर पे उनका सर खा गए। तो उन्होंने कहा कि MIUI जो 12.5 अपडेट आएगी या इसकी नेक्स्ट अपडेट आएगी उसमें जो है ना हम तकरीबन चीज़ें फिक्स कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग एड्स को हटाएंगे। अगर एड्स को नहीं हटाएंगे तो इनका भाई पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सबको पता है कि Xiaomi जो है 5% प्रॉफिट पर स्मार्टफोन रखता है और बाकी जो उनकी अर्निंग प्रॉफिट जो भी होता है वो सारा एड्स के थ्रू होता है, इसीलिए वो अपना MIUI डालते हैं। अगर गूगल का एंड्रॉयड जो स्टॉक एंड्रॉयड है वो डालेंगे तो इनकी जो है ना वहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रमोशन नहीं होगी, एड प्रमोशन नहीं होगी, जिनकी वजह से उनका बाकी प्रॉफिट बनता है। तो पहला तो मसला ये होगा। दूसरा मसला जो है, अब ये कोई हैवी मसला नहीं, अगर नॉर्मल यूज़र हो, जैसे सपोज़ करो मेरे चाचे को चाहिए जिनकी जो है ना वो एजड हैं, उनको इतना नहीं पता कि फ़ोन कैसे काम करता है, उसको यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक या कॉल या कैमरा ये चीज़ें यूज़ करनी है थोड़ी थोड़ी सी, तो उनको नहीं पता कि थर्ड पार्टी लॉन्चर डाउनलोड करके जो है ना ये मसला सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जिनको पता है उनको मैं कहूँगा कि हाँ भले ही आप खरीद सकते हो Redmi Note 10, क्योंकि आप टेक एंथुसियास्ट हो, आपको अगर पता है कि लॉन्चर कैसे इंस्टॉल होता है और चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ें पता है तो आप यू शुड गो विथ Redmi Note 10 सीरीज़। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल पर्सन है, जो कि इतने ज़्यादा टेकी नहीं है, जिनको नहीं पता कि फ़ोन के अंदर घुस के स्नैपचैट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। और एक जो सेकंड चीज़ है वो है नेटवर्क इशूज़। Redmi की जो Note 9 सीरीज़ है उसमें तो भाई मैंने नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा देखे, मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से बात करी, उन सब ने कहा कि हाँ जो नेटवर्क है मेरी जो इलाका है वहाँ पे जो है ना टावर्स कम है सिम के, तो वहाँ पर जो है ना थोड़े बहुत मुझे इशूज़ मिले थे, कभी कभी कॉल जो है ना ड्रॉप हो रही थी, कभी कभी सिग्नल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे। तो ये एक छोटा सा इशू है, आप एक काम करना, आप पहले Redmi का कोई फ़ोन अगर आपने पहले यूज़ करा है और आपके यहाँ पे सही चल रहा है तो आप जो है ना इन फ़ोन को ट्राई कर सकते हो, एंड आई होप कि आपको जो है ना कोई बड़ा मसला फेस नहीं आएगा। जिन जिन जगहों में टावर्स जो है ना कम है वहाँ पर ये इशू है, तो आपको अगर ऐसी लोकेशन में आप रहते हो तो अभी आपको ये फ़ोन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग, डेटा पैकेज, ये जो चीज़ें हैं आपकी जो है ना स्लोली चल सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कैमरा लवर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Xiaomi के फ़ोन में जो कलर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे आते हैं भाई, कभी तो इतना ज़्यादा लाल कर देते हैं बंदे का जो कि एक्चुअल में येलो होता है, ज़्यादा हो गया शायद, तो मतलब जो भी है कैमरा में मतलब ये कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा कर देते हैं, टेम्परेचर का भी ऊपर जा रहा होता है, लेकिन इनका बोके इफेक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर आता है, एजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, मज़ा आ जाता है पोर्ट्रेट मोड में। तो अगर आप जो है ना स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ कर सकते हो अल्टरनेटिव्स, तो ये भी कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको भी साइड पे कराओ। फोर्थ इशू कोई भी नहीं है, क्योंकि यही तीन इशूज़ है मेन जो मैंने आपको बताने थे। अब गाइज मैंने जो ये फोर इशूज़ बताए इनमें से जो बाकी वाले दो थे, जैसे कि कैमरा, उसका अल्टरनेटिव सीधा सीधा आपके पास है कि आप स्नैपचैट यूज़ करो। दूसरा जो है नेटवर्क का, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मेरे को पता है, हाँ तुम लोग वाईफाई यूज़र हैं, मैं तेरे को बताएगा, रुक जा तू कहाँ जा रहा हूँ मैं।
तो जो वाईफाई यूज़र हैं उनको तो जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होगा नेटवर्क के साथ, तो जिनके पास वाईफाई नहीं है उनके लिए जो है ना डेटा सिम या डेटा कनेक्शन या मोबाइल डेटा वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए जो है ना ये इशू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकता है। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी एड्स वाली, वो एड्स वाली अगर आप मेरी बात करोगे तो मुझे भाई बड़ा इन पे गुस्सा आता है एड्स पे, तो जिन पे एड्स होता है वो फ़ोन तो मैं लॉन्चर के थ्रू रिप्लेस कर दूंगा। अगर आपको लॉन्चर वगैरह ये चीज़ें नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्किप दिस फ़ोन, क्योंकि आप अगर नॉर्मल चीज़ें ही नहीं जानते जैसे कि फेसबुक कैसे चलाते हैं, फेसबुक की आईडी कैसे बनती है, जीमेल आईडी कैसे बनती है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो ही आप बाय करो। जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता, जिनको ये नहीं पता है कि मोबाइल का यूआई क्या होता है, यूआई सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो उनको मैं कहूँगा कि आप जो है ना इस फ़ोन को स्किप कर दो बिकॉज ऑफ वर्स्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आप स्क्रॉल करोगे ना, जैसे ये फ़ोन है मेरे पास, इसको मैं इधर उधर कर रहा हूँ, तो अगर आप नोट 10 में ऐसे इधर उधर करोगे तो आपको जो है ना इश्यूज देखने को मिलेंगे, हल्के फुल्के लैग्स होंगे, तो मुझे तो भाई बड़ा गुस्सा आता है, मैं एक चीज़ ऐसे स्वाइप करूँ और वो हैंग हो जाए। तो मतलब हल्के फुल्के लैग्स हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये बिकॉज ऑफ मी यूआई 12 है। तो अगर आप टेक एंथुजियास्ट हो, आपको पता है लॉन्चर कैसे काम करता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और जो दूसरी चीज़ मैंने बताई नेटवर्क का, वो भी उसका सॉल्यूशन सीधा है कि अगर आप वाईफाई यूज़र हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो तीसरी चीज़ मैंने बताई कैमरा की जो क्वालिटी है, आप जो है ना स्नैपचैट फिल्टर्स यूज़ करना, आपका वो प्रॉब्लम भी 100% सॉल्व हो जाएगा। डिस्प्ले, डिज़ाइन, बैटरी, कैमरा परफॉर्मेंस, गेमिंग, सब कुछ जो है ना रेडमी नोट 10 में परफेक्ट है, लेकिन तीन चार ये इश्यूज़ मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, सो मैंने सोचा वीडियो ही बना दूं। एंड क्या आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो जिसमें मैं सारी की सारी रिसर्च करूं 4 से 5 घंटे एंड विद इन 5 और 8 मिनट्स जो है ना आपको मैं सारी की सारी चीज़ें बता दूं कि हाँ ये चीज़ें आपको इन फोन्स में देखने को मिल सकती है। सो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, आपको जो मेरे थॉट्स हैं कैसे लगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।